हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो मैंने इसकी एक वीडियो, ये पार्ट टू लेके आई हूँ मैं आपके पास। तो एक वीडियो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया है। तो उस लिंक में, उस वीडियो में मैंने पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करा था कि किस तरीके के डाइजेस्टिव ऑर्गन और ग्लैंड्स होती हैं, कि जो ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल होती है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलके बनती है, और उनका मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन दिया था। तो आज हम यहाँ पे प्रोसेस लेते हैं कि किन स्टेप में कैसे कैसे डाइजेशन होता है। तो पांच स्टेप्स में डाइजेशन कंप्लीट होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या हुआ? टेकिंग ऑफ फूड, टेकिंग ऑफ फूड। फूड जो ले रहे हैं हम हैंड की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हैंड थ्रू माउथ। तो माउथ में हम, माउथ के थ्रू हैंड्स की हेल्प से हम जो फूड ले रहे हैं वो इंजेशन होता है। हमारी बॉडी में जो फूड है वो माउथ की हेल्प, माउथ के थ्रू जाता है और हैंड की हेल्प से। सेकेंड स्टेप हम यहाँ लेते हैं, मेन स्टेप जो ले रहे हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन स्टेप में अब हम देखेंगे, हमने मेरी आप वीडियो जरूर देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको उसमें पूरे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के फंक्शन समझ में आ सकते हैं। और उस, अगर वो आप अच्छे से समझ लेंगे तो इसमें प्रोसेस को आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करा हुआ है। तो ये है ईसोफेगस, ये स्टमक, ये पैनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर और ये लार्ज इंटेस्टाइन, शॉर्ट में लिख रही हूं LI, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बक्कल कैविटी का आ जाता है। यहां पे क्या प्रेजेंट होती है? बक्कल कैविटी। तो जो डाइजेशन है वो हम यहाँ पे एक मैं समझा रही हूं आपको पहले। तो डाइजेशन जो है हमारा, जब फूड माउथ में एंटर करता है वहीं पे क्या होता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक मैं आपको फ्लो चार्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूं किस तरीके से, कहाँ पे, कैसे कैसे डाइजेशन होता है। तो फर्स्टली जब सबसे पहले देखिए, यहां पर मैं लिख रही हूं ऑर्गन और यहां उनका रोल आ जाएगा। तो फर्स्टली जो फूड गया वो कहां गया? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में जब फूड जाएगा तो वहां पे क्या होता है? फिजिकल डाइजेशन। फर्स्टली यहां पे फिजिकल डाइजेशन होगा, किसकी हेल्प से? टीथ, टीथ की हेल्प से। बक्कल कैविटी में क्या आ जाएंगे? टीथ। तो टीथ जो है कटिंग का, ग्राइंडिंग का, मेस्टिकेशन का काम करता है। तो फिजिकल डाइजेशन कौन कर रहा है? टीथ। उसके बाद यहाँ पे जो सलाइवा है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे उसको केमिकली, उसमें टाइलिन एंजाइम होता है, तो टाइलिन एंजाइम क्या कर रहा है? उसको डाइजेस्ट कर रहा है। किसको? 30% जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट होता है यहां पे, 30% स्टार्च डाइजेस्ट। किसकी हेल्प से होगा ये? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। तो एक चीज तो ये हो गई, बक्कल कैविटी में इतना वर्क हुआ। बक्कल कैविटी के बाद जब यहां पे फूड आ गया तो फूड में टीथ की हेल्प से फिजिकली डाइजेशन हुआ, कटिंग हुई, ग्राइंडिंग हुई और सलाइवा के हेल्प से वो मिक्सिंग हो गई, एक बॉलस फॉर्म में फूड आ गया। बॉलस मतलब एक सेमी सॉलिड फॉर्म में फूड आ गया है। अब वो क्या हो रहा है? टंग की हेल्प से वो बैक साइड में पुश होता है, जिससे फूड एंटर करता है फूड पाइप में, यानी कि ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ईसोफेगस में क्या होगा?
कोई डाइजेशन नहीं होगा, नो डाइजेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, फूड को पास कर रहा है बक्कल कैविटी से कहां पर, स्टमक में। फिर स्टमक के अंदर फूड आते ही क्या होता है, यहां पे तीन चीजें सिक्रीट, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस में तीन कंपोनेंट्स हो गए, HCl, इसका मैंने फंक्शन में मेंशन करा हुआ है सब वीडियो में। HCl जो है वो क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है और जर्म फ्री कर रहा है, जर्म फ्री म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल। और थर्ड यहां पे आ गया एंजाइम पेप्सिन, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को, यहां पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है किसके प्रेजेंस में, पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में। पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटीन जो है पेप्टोन्स में आ जाएगा, पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड जो भी होते हैं उसमें आ जाएगा ये, जो भी उसकी थोड़ी सिंपलर फॉर्म होती है। तो यहाँ पे तीनों गैस्ट्रिक जूस, मतलब यहाँ पे स्टमक में आने पर फूड एसिडिक हो जाता है और जिसकी वजह से कोई भी अगर बैक्टीरिया फूड के साथ आ रहा है तो वो किल हो जाता है। म्यूकस स्टमक की वॉल को HCl से ही प्रिवेंट करती है और HCl के ही प्रेजेंस में ये पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, एक्टिव होता है, जिससे कि प्रोटीन क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है डाइपेप्टाइड फॉर्म में। तो अब इसके बाद, अब स्टमक जो है, देखिए यहाँ पे स्टमक में जब फूड आ रहा है, स्टमक के बाद अब यहाँ पे डाइजेशन जो है, यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हुआ, फैट का नहीं हुआ, सिर्फ किसका हुआ है, प्रोटीन का। अब यहां से फूड जाता है कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये यहाँ पे क्या जुड़ी हुई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, ठीक। दूसरी चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले यहाँ पे लिवर है, पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है और लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। तो बाइल जूस जो है क्या करता है, ये मैं रब कर रही हूं, तो फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होने से पहले लिवर का वर्क, लिवर क्या कर रहा है, बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है। तो बाइल जूस में क्या होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है, सिर्फ क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ठीक। तो जो सॉल्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फैट को कन्वर्ट कर रहे हैं इमल्सिफाइड में, इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाज है, इनका सबका सिक्रीशन एक जगह हो जाता है, पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस में लगभग हर टाइप के फूड के लिए एंजाइम्स होते हैं, जैसे तो स्टार्च के लिए यहां पे एंजाइम हुआ एमाइलेस, ये इसको डाइजेस्ट करेगा। फिर उसी तरीके से प्रोटीन के लिए यहाँ पे होता है ट्रिप्सिन, तो कभी अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ ट्रिप्सिन, तो आप क्या लिखोगे, इट इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास, ठीक है। ये ट्रिप्सिन के लिए क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज अ ट्रिप्सिन, एक मार्क्स के लिए। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, कौन सिक्रेट करता है, पैनक्रियास। इसी तरीके से फैट के लिए होता है, जो उसको इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देता है वो होता है लाइपेज, ये सब पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज कहलाएंगे। तो ये इस तरीके के तीनों फूड टाइप के फूड के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट हो गए, जो उनको क्या करते हैं, यहाँ पे इमल्सिफाइड फैट को ही क्या कर देगा, ब्रेक डाउन, ये क्योंकि इमल्सिफाइड किसके थ्रू हो गया है, लिवर के थ्रू, तो इमल्सिफाइड फैट लाइपेज के थ्रू डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जो फूड है यहां और इससे, अब जो स्टमक से एसिडिक फूड था वो पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि ये बेसिक मीडियम देता है, और इधर से बाइल जूस में जो सॉल्ट होते हैं वो भी उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज करा देते हैं।
अब यहाँ से फूड एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे मेन डाइजेशन होता है। डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सीक्रेट होता है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में हर टाइप के फूड के लिए एंजाइम्स होते हैं जो लास्टली में फूड को उनके सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पर हर टाइप का एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को ये क्या कर देंगे? ग्लूकोज में तोड़ देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज में। प्रोटीन टूट जाएगा एमिनो एसिड्स, और फैट्स टूट जाती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये एक डाइजेशन का पूरा प्रोसेस हो गया कि सबसे पहले फूड माउथ में आया, वहां पे फिजिकल डाइजेशन हुआ टीथ की हेल्प से, फिर उसमें स्टार्च सलाइवा के थ्रू, स्टार्च का 30% डाइजेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ टाइलिन एंजाइम और द सलाइवरी एमाइलेज, एंड देन फूड इज गॉन इनटू द ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ फूड पेरिस्टलसिस मूवमेंट के थ्रू पास होता है। कहाँ पर आता है? स्टमक में। और जब ये फूड यहाँ आता है तो वो फूड कहलाता है बॉलस फॉर्म में, फूड कहलाता है सेमी सॉलिड फॉर्म में। स्टमक में फूड आकर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है फूड के आने पर, और वहाँ पे HCl उसको एसिटिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे वो जर्म फ्री होता है, और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का यहाँ पर डाइजेशन करता है। फिर बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस उसको और ज़्यादा डाइजेस्ट करता है। फिर फाइनली डाइजेशन के लिए कहाँ आता है फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका सिक्रीशन होता है? इंटेस्टाइनल जूस का। एंड इंटेस्टाइनल जूस जो है वो फूड को फाइनली क्या करती है? सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर कंपोनेंट्स बाय द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स फॉर ईच टाइप ऑफ फूड कंपोनेंट। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर यूनिट ग्लूकोज, प्रोटीन की सिंपलर यूनिट अमीनो एसिड्स, एंड फैट्स की सिंपलर यूनिट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब इसके बाद डाइजेशन के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का। अब जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसी भी और ऑर्गन में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि स्टमक में क्यों नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्यों नहीं होता है। क्योंकि स्टमक में लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग पर, इनकी वॉल पर कोई भी विलाइज प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे मिलियंस ऑफ विलाइज प्रेजेंट होती हैं, हेयर लाइक अपेंडिजेस हैं, जो क्या करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं एब्जॉर्प्शन के। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। ये कहां पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम बोलते हैं डाइजेशन की साइट कहां होती है कंप्लीट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी वॉल पे क्या प्रेजेंट है? विलाइज, जो क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहां से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो जाता है, फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और मतलब कि फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ एंटर करेगा? ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड के ही थ्रू क्या होगा? पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये चीज होती है एब्जॉर्प्शन। बाकी विलाइज की हेल्प से वो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हुआ फूड को एसिमिलेट करना, एसिमिलेट मतलब ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज करना।
तो ये एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जैसे हो गया कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में दूसरे पार्ट्स में फूड की अमाउंट क्या है कम, तो अब ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन होता है, जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ क्या होता है, वो पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाता है, एसिमिलेट हो जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जो डाइजेस्ट मतलब कि जिनको जो यूज नहीं हो पा रहा है, वो अनडाइजेस्टेड फूड आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और इसके अंदर पास होकर वो रेक्टम में, ये रेक्टम होती है, ये वाला पार्ट क्या है, रेक्टम, रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है, और ये क्या है, एनस। ठीक है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है और एनस से वो बाहर निकलता है। फिर जो फूड एसिमिलेट हो जाता है ब्लड के थ्रू किसमें, डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में, बॉडी सेल्स के अंदर। इसके अलावा जो फूड डाइजेस्ट मतलब डाइजेस्ट हो चुका है लेकिन एक्स्ट्रा फूड है जो कंज्यूम नहीं हो रहा है, वो फूड या वो किसमें जो है, वो किसमें फूड स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में, ग्लाइकोजन फॉर्म में। और कहाँ स्टोर होता है, ये लिवर में। ठीक है, तो जब इन तक के हमें फूड नहीं मिल रहा है, नहीं ले पा रहे हैं फूड, तो उस टाइम पे ग्लाइकोजन हम, ये इमरजेंसी फूड होता है एक तरीके से। तो जब हम फूड नहीं लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, या हम फास्ट रखते हैं, उस टाइम पे हम फूड नहीं ले रहे हैं, तो उस टाइम पे ये ग्लाइकोजन हमें हाइड्रोलाइज करके एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये फूड स्टोर हो, एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा फूड हमारा ग्लाइकोजन फॉर्म में, यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल हो गया बॉडी का। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है हमारा, ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन फॉर्म में लिवर में स्टोर जाता है। तो एसिमिलेशन ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इन टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी सेल्स और बॉडी टिश्यूज। फिर लास्ट स्टेप आ जाता है इसमें, इजेशन। इजेशन जो है, इजेशन, ई से मतलब एग्जिट, ठीक। इंजेशन हमने बोला था इनटेक, इनटेक ले रहे हैं, इजेशन मतलब एग्जिट करना। तो इज फॉर एग्जिट हुआ, तो इजेशन एग्जिट के लिए हो गया कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो मैंने बताया रेक्टम में स्टोर हो जाता है, वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, वो क्या हुआ, इजेशन। तो इजेशन में जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो क्या हो रहा है, वो बॉडी से बाहर आ रहा है। तो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है और वो फेसेस फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, एक्सपेलिंग द फेसेस, ये लिख सकते हो आप इसके लिए, इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, तो ये जो है इसमें इजेशन होता है। ठीक, तो इसमें जो है ये फेसेस फॉर्म में, फेसेस फॉर्म में ये स्टोर हो गया यहाँ पे रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड, और एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। यहाँ पे मसल्स लगी हुई होती हैं जो इस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। तो ये हो गया पूरा 5 स्टेप में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत इजी वे में आपको ये सब एक्सप्लेन करा है। तो अगर आप और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और मैं जल्दी आपके पास एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। बाय बाय।